हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे रिंगर चेक करना। अभी रिंगर क्या होता है आप सबको पहले बता देता हूं। हमारे मोबाइल फोन में ऊपर के साइड जो लगा होता है जिससे हम सामने वाले की आवाज सुनते हैं वो स्पीकर होता है। बैक साइड जो लगा होता है वो रिंगर होता है। अभी मोबाइल फोन में दो कंपोनेंट्स है, एक स्पीकर दूसरा रिंगर, जिसमें रिंगटोन, MP3 सॉन्ग्स ये सब प्ले होते हैं। वो सब जिसमें लाउड स्पीकर चलता है वो रिंगर है। अभी रिंगर कैसे चेक करना है इस वीडियोस में हम देखेंगे। रिंगर चेक करने के लिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं रिंगर चेकिंग करना जो है। अभी मेरे पास कुछ रिंगर्स पड़े हैं, पहले आप रिंगर देख लीजिए कि कैसे दिखाई देते हैं। मेरे पास कुछ रिंगर्स हैं, आप देख सकते हैं कि रिंगर्स कितने टाइप के हैं और कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंगर क्या काम करता है और कैसे चेकिंग करना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कई टाइप्स के रिंगर रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसे चेकिंग कैसे करना है। आप सबको पता है रिंगर यानी लाउड स्पीकर क्या काम करता है। लाउड स्पीकर हमारे मोबाइल फोन में रिंगटोन MP3 का काम करता है, जो हमारे MP3 यानी जो मोबाइल फोन के सॉन्ग्स जो प्ले होते हैं और जो रिंगटोन बजता है वो रिंगर के थ्रू ही बजता है। ये हमारे मोबाइल फोन के रिंगर हैं। रिंगर हमेशा बड़े साइज में होते हैं और स्पीकर जो होता है वो फ्रंट साइड पे लगा होता है, वो छोटे साइज में होता है। आप देख सकते हैं रिंगर कैसा दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं रिंगर चेक कैसे करना है। रिंगर चेक करने के लिए पहले हम देख लेते हैं इसकी बनावट कैसी है। अभी जो रिंगर बना हुआ है उसके उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, इसे हम मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट मान लेते हैं। एक कॉपर का वायर लेके हम मैग्नेट के चारों तरफ घुमाते हैं, यानी पूरे राउंड में घुमाते हैं और इसका लास्ट पॉइंट वापस बाहर निकालते हैं। यानी मैंने क्या किया कि एक पॉइंट, एक कॉपर का वायर लेके मैग्नेट के चारों तरफ घुमाया मैंने और लास्ट पॉइंट वापस बाहर निकाला। इसका मतलब क्या है कि जो मोबाइल फोन के रिंगर है उसमें एक ही बार मैंने यूज किया हुआ। इसे हम बोलते हैं वाइंडिंग करना, यानी एक मैग्नेट है उसके कॉपर का वायर चारों तरफ घुमा के हमने वाइंडिंग किया और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पर्दा डाल देते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पीकर रिंगर। अभी रिंगर और स्पीकर ऑलमोस्ट एक ही जैसा बना होता है। अभी जो रिंगर होता है वो हमेशा बिग साइज में होता है और जो स्पीकर होता है वो स्मॉल साइज में होता है। रिंगर ज्यादा करके बैक साइड में लगे होते हैं और स्पीकर हमेशा फ्रंट साइड में लगा होता है। अभी हमने देखा कि जो हमारा रिंगर है यानी लाउड स्पीकर है उसमें एक ही वायर कनेक्टेड है। अभी हमारे पास मल्टीमीटर है इसे चेक करने के लिए। अगर इसे हम चेक करेंगे तो हमें डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करना है। अभी डिजिटल मल्टीमीटर हम कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। अभी यहाँ पे एक रोटर रखा हुआ है जो ऑफ में है। हमें रेड प्रोब को
वोल्ट एम्पलियर, वोल्ट ओम एम्पलियर की सेटिंग पे रखना है और कॉमन पॉइंट को यानी माइनस को ब्लैक प्रोब को कॉमन पॉइंट पे रखना है, इसे हम ग्राउंड भी बोलते हैं। अभी मुझे ये रोटर जो ऑफ पे है हमें वो कंटिन्यूटी पॉइंट बनाना है, मैंने इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर दिया है। कंटिन्यूटी पॉइंट की ये खासियत होती है कि ये अगर एक ही वायर हो यानी एक वायर को अगर मैं इसमें दो प्रोब दिया हुआ है, जैसे अभी मैं ये पॉइंट को दोनों टच करता हूं कांटेक्ट करता हूं तो इसमें कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देती है, ये कंटिन्यूटी की आवाज आ रही है, बीप साउंड आ रहा है आपको। अब इसे बराबर सेट कर लें, अभी डिस्प्ले पे आपको 001 ओम की रीडिंग दिखाई दे रही होगी। अभी कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक सिंगल वायर है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इसमें कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देगी। अगर कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देती है इसका मतलब ये वायर कनेक्टेड है, अगर कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई नहीं देती इसका मतलब ये वायर ब्रेक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिंगर यानी लाउड स्पीकर जो वायर लगा है वो सिंगल सिंगल वायर लगा है, इसका मतलब क्या है कि जब हम रिंगर चेक करेंगे तो रिंगर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब रिंगर में कंटिन्यूटी आती है यानी बीप साउंड आता है तो रिंगर ओके है। इसके साथ साथ रिंगर में 8-10 ओम्स की रीडिंग आनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को सुनने के लिए 8-10 ओम की रीडिंग्स आनी चाहिए। अगर 8-10 ओम्स की रीडिंग आ रही है इसका मतलब हमारा रिंगर प्रॉपर काम कर रहा है। अभी हम चेक करते हैं रिंगर, कुछ जो हमने रिंगर पहले देखा है वो रिंगर हम चेक करके देखेंगे। अभी हमारे पास जो रिंगर पड़े हुए हैं इसे हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रिंगर पड़ा हुआ है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कितनी रीडिंग्स आ रही है। हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखा है, अभी मैं इस पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें हमें ब्लैक प्रोब या रेड प्रोब कोई भी सेटिंग्स पे रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमें लगा के देख लेना है कि रिंगर्स में कितनी रीडिंग आ रही है, जैसे अभी यहाँ पे 3 ओम्स की रीडिंग दिखा रही है इसलिए हमें बराबर प्रोब सेट करना होगा। अब हम चेक करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि रिंगर में 8-10 ओम की रीडिंग आनी चाहिए और कंटिन्यूटी वॉइस आनी चाहिए, कंटिन्यूटी की आवाज आनी चाहिए। रिंगर में 9 ओम्स की रीडिंग आ रही है इसका मतलब ये रिंगर वर्किंग है। आप हमेशा ये याद रखें कि अगर रिंगर का प्लास्टिक फटा हुआ है तो रिंगर में फटी हुई आवाज आएगी, अगर रिंगर वर्क ही काम ही नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा उस टाइम पे हमें रीडिंग चेक करना है। अगर रिंगर का पर्दा फटा हुआ है तो रिंगर बराबर आवाज देता है यानी बराबर रीडिंग दिखाता है बट वॉइस फटी हुई आती है। अभी हम दूसरा रिंगर चेक करते हैं, ये अलग टाइप का रिंगर है। इसमें भी 9 ओम्स की रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हो 9 ओम की रीडिंग, यानी ये रिंगर भी वर्किंग है। ये नोकिया मोबाइल फोन के रिंगर है और सोनी मोबाइल फोन में भी कई मॉडल पे ये यूज हुए है। इसके बाद हम दूसरा रिंगर देखते हैं, आप देख रहे हैं कि रिंगर की साइज सबकी बड़ी हुई है, बड़ी है। इसमें 8 ओम की रीडिंग्स आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया रिंगर में
एक टू टेन ओम्स की रीडिंग आनी चाहिए। इसके बाद हम चाइना यूनिवर्सल देखते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, बट आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी लाइन से चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 8 ओम्स की रीडिंग आ रही है, 8 7 8 7 हो रहा है रीडिंग। इसका मतलब ये रिंगर भी वर्किंग है, ये चाइना मोबाइल फोन में यूज होता है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि रिंगर कैसे चेक करना है। इसके साथ साथ अगर रिंगर में कंटिन्यूटी नहीं आती है तो रिंगर का पॉइंट बीच में ब्रेक हो चुका है। अगर रीडिंग्स कम होती है तो इसका मतलब वॉइस ब्रेक होगा, आपका ब्रेक हो रहा है या तो वॉइस कम जाएगा। अगर रीडिंग्स बढ़ती है तो इसमें आपको कैसे फॉल्ट आ सकते हैं ये भी बता देता हूं मैं। अगर रीडिंग्स बढ़ रही है तो आपके रिंगर में, आपके जो मोबाइल फोन में है, आपकी आवाज कम आएगी, रिंगटोन यानी MP3 की आवाज, रिंगटोन की आवाज कम आएगी अगर रीडिंग्स बढ़ रही है तो। अगर रीडिंग्स कम आती है यानी 8 ओम से कम रीडिंग्स आ रही है तो इसका मतलब आवाज फटने लगेगा। ये रेजिस्टेंस वैल्यू थी, इसलिए आवाज कम आने पे वॉइस फटने लगता है, रीडिंग्स ज्यादा आने पे वॉइस कम हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि रिंगर कैसे चेक करना है। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि माइक कैसे।